नमस्कार, रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जायसवाल, एसएस प्लस टू हाई स्कूल गुला से। आज हम लोग क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग डिस्कस किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए। ये जो क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 3a² x - x³ / a³ - 3ax² और a ग्रेटर देन 0, x का रेंज दिया हुआ -a/√3 से लेकर a/√3 तक। तो हम लोग को इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको tan के फॉर्मूला में अरेंज कर पाए तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान होगा। तो अब यहाँ पे tan का ऐसा कोई फॉर्मूला देखिए जिसमें जैसे यहाँ पे 3 आता हो, इस तरह से स्टार्टिंग 3 से हो, यहाँ भी 3 है, तो आप देखिएगा कि tan 3a का जो फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। tan 3a जो है 3 tan a - tan³ / 1 - 3 tan² ये 3 तो एकदम मैच कर गया, और अभी एग्जैक्ट तो तुरंत फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 मैच कर गया और यहाँ पे 1 चाहिए, 1 - 3 tan² है, तब फॉर्मूला में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ 1 लाने का मतलब है यहाँ a³ है, अगर यहाँ 1 चाहते हैं इसका मतलब a³ से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड जब होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होगा, तो दोनों को हम लोग अगर a³ से डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे a³ से डिवाइड करेंगे तो x/a बचेगा, यहाँ x/a का होल क्यूब होगा, यहाँ 1 हो गया और यहाँ x/a का होल स्क्वायर। अब देखिए पूरी तरह से फॉर्मूला में अरेंज हो गया, 3 tan a - tan³ / 1 - 3 tan² a। तो अब हम लोग x/a को tan थीटा मान लेते हैं, तो x/a को tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू, तो 3 tan θ - tan³θ / 1 - 3 tan² θ। ये देखिए फॉर्मूला tan 3 थीटा का है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो 3 थीटा बाहर आएगा, लेकिन पहले आपको चेक कर लेना है वो अगर रेंज में है या नहीं। तो क्योंकि x का जो वैल्यू है वो -a/√3 से a/√3 तक है, तो x/a का जो वैल्यू होगा a से डिवाइड करेंगे -1/√3 से +1/√3 तक। तो tan थीटा इसी को माने हैं, यानी tan थीटा -1/√3 से +1/√3 तक। तो अगर tan थीटा का वैल्यू यहां से यहां तक लाई करता है तो ऑब्वियस है थीटा -π/6 से +π/6 में लाई करेगा, और 3θ - π/2 से +π/2 तक में लाई करेगा, ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग नहीं है। तो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है रेंज का, वो भी यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज में है, तो ये 3θ आराम से बाहर आ जाएगा, 3θ। अब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x/a है, तो tan इनवर्स x/a हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो इस तरह से इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हुआ वो 3 tan inverse x/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin 1/2। ये सब में हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग को इसको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin 1/2, धीरे धीरे राइट साइड से हम लोग इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 sin 1/2, अब sin 1/2 का वैल्यू पता है π/6 सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये कैंसिल होकर π/3 हो गया। नाउ 2 cos π/3, cos π/3 60 डिग्री, तो cos 60 1/2, अब 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो tan inverse 1, और tan inverse 1 π/4 होता है, तो इस पूरे का आंसर आ गया π/4। नेक्स्ट 12 नंबर, cot tan inverse a + cot inverse a, तो हम लोग पढ़े हैं tan inverse x + cot inverse x इज π/2, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट π/2 हो गया, और cot π/2 इज 0, तो इसका आंसर 0। अब देखें यहां पे tan ½ sin inverse 2x / 1 + x² + cos inverse 1 - y² / 1 + y². अब देखिए यहां बाहर sin inverse है, अंदर में tan का फॉर्मूला हम लोग अरेंज, देखिए sin inverse, और ये इस तरह से यहां पे इस तरह का फॉर्म है, तो यहां पे x को क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि अंदर फॉर्मूला sin का कुछ बन जाए। तो देखिए ये sin 2a का फॉर्मूला में आ सकता है, लेकिन उसके लिए x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि 2 tan θ / 1 + tan² θ, ठीक है। तो हम लोग x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो थीटा हो गया tan इनवर्स x, उसी तरह यहां cos इनवर्स है, यहां अगर हम लोग देखेंगे तो cos 2a का फॉर्मूला आ सकता है, 1 - tan² / 1 + tan², तो हम लोग y को यहां पर tan phi मान लिए, तो phi हो गया tan इनवर्स y, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं यहां पे, देखिए ½ sin inverse 2 tan θ / 1 + tan² θ, cos inverse 1 - tan² φ / 1 + tan² φ, ये फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का,
और ये फॉर्मूला हो गया कॉस टू फाई का। अब देखिए साइन इनवर्स साइन टू थीटा, तो टू थीटा बाहर हो गया, कॉस इनवर्स कॉस टू फाई तो टू फाई बाहर आ गया। अब टू टू कॉमन है, इस हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टेन ऑफ थीटा प्लस फाई। अब यहाँ टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा प्लस टेन फाई बाई वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई, तो टेन थीटा का वैल्यू एक्स और टेन फाई का वैल्यू वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका आंसर हो गया एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसमें x का वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस साइन को इस साइड ले गए तो ये साइन इनवर्स 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स x इज साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बाई फाइव कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 को हम लोग पाई बाई टू लिख सकते हैं। अब इसको अगर इस साइड ले जाएंगे तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1 बाई फाइव, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स 1 बाई फाइव हो गया, अब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई फाइव, तो एक्स इक्वल टू इक्वेट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 बाई फाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। बहुत सिंपल है, आपको tan इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला के लिए लगाना है, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई फोर। इसका एलसीएम लिए तो ये तो कट जाएगा एलसीएम में, तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, और ये x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये हो गया इक्वल टू पाई। अब ये सिंपल केवल मल्टीप्लीकेशन किए हैं, tan इनवर्स इधर ले आए तो tan पाई बाई फोर हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, लेकिन 2 पाई बाई 3 डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर आई है, माइनस 90 से प्लस 90 है, तो इस एंगल को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, अब साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, हाँ अब ये रेंज के अंदर आ गया तो पाई बाई थ्री बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर पाई बाई थ्री। उसी तरह देखिए यहाँ टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, तो टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर को हम लोग लिख दिए पाई माइनस पाई बाई फोर, सिंप्लीफाई किए क्योंकि ये भी रेंज के बाहर है। अब ये यहाँ से टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन पाई बाई फोर। अब tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स tan पाई बाई फोर, अब इसमें से पाई बाई फोर आ गया तो आंसर हो गया इसका माइनस पाई बाई फोर। 18 नंबर देखिए, tan साइन इनवर्स 3 बाई फाइव प्लस cot इनवर्स 3 बाई टू, ये है देखिए बाहर tan है, अगर अंदर दोनों tan रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला आसानी से बना लेंगे, तो इसको हम लोग tan बनाएंगे। देखिए 3 बाई फाइव अगर ट्राइंगल में देखे तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो रहा होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो रहा होगा, तो बेस जो है वो फोर निकलेगा। और इस तो अब अगर हम लोग टेन के टर्म में इसको लिखना चाहेंगे, देखिए पी और एच है ना, पी और ये एच हो गया तो बेस फोर होगा, तो टेन के टर्म में लिखेंगे तो पी और बी, इसलिए इसको टेन इनवर्स थ्री बाई फोर लिख सकते हैं, और इसको तो टेन इनवर्स टू बाई थ्री जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, सिंप्लीफाई किए, केवल सिंप्लीफिकेशन है, तो tan इनवर्स 17 बाई सिक्स, अब tan tan इनवर्स 17 बाई सिक्स, तो इस तरह से इसका 17 बाई सिक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो केवल इसमें आपको साइन इनवर्स या tan इनवर्स इस तरह से चेंज करने का, तो चेंज करने का वही है जैसे साइन इनवर्स 3 बाई फाइव, तो क्योंकि साइन में जो आता है वो p बाई एच होता है, तो p बाई एच में वैल्यू डाल दीजिए, b निकाल लीजिए, फिर हमको जिसमें चाहिए हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 19 नंबर, cos इनवर्स cos 17 पाई 7 पाई बाई सिक्स, फिर देखिए रेंज से बाहर है तो इसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो फिर इसका हम लोग एंगल छोटा किए, तो कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स ये रेंज के अंदर है, तो पाई बाई सिक्स बाहर आ गया, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर फाइव पाई बाई सिक्स हुआ। 20 नंबर देखिए, साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, एकदम सिंपल है, बस इसका साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो
साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई बाई सिक्स उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों को सॉल्व किए, एंगल एंगल पाई बाई टू हो गया, सम होके साइन पाई बाई टू वन होता है, ठीक है। और लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको थोड़ा करेंगे तो माइनस पाई को इधर लिख दिया, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, हम लोग पढ़े हैं कि पाई बाई टू होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई टू इज माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मिसलेनियस का क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।